नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी विच डील विद हाउ साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स देयर एक्सरसाइज एंड देयर फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बेसिकली डील करती है एथलीट्स की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के साथ वट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ देयर फिजिकल एक्टिविटी ऑन देयर परफॉर्मेंस ठीक है अब मोस्टली ये जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वर्क विद प्लेयर्स एंड विद कोचेस एंड दी मेन टास्क इज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड टू इंक्रीज देयर मोटिवेशन लेवल अब जो बेसिक टास्क होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को इनहेंस करना और इसके साथ साथ उनके मोटिवेशन लेवल को भी इन्हेंस करना किस तरह से वो अपनी मैक्सिमम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं अपने मैक्सिमम जो स्किल्स हैं उनको शो कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर प्ले एंड हाउ दे विल वर्क हाउ दे विल परफॉर्म अंडर प्रेशर अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है उनके मोटिवेशन लेवल को इतना इंक्रीज कर देना कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन कोई हार्डशिप उनके लिए किसी भी प्ले में कि, किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी आ चुकी है वो प्रेशर में है उनका टीम उनकी टीम तो अंडर प्रेशर उस प्रेशर को किस तरह से टॉलरेट करना है उसके लिए उन्हें डिफरेंट स्किल्स की लर्निंग करवाना उनके मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करना उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना और इसके साथ साथ उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करवाना दैट हाउ टू परफॉर्म हाउ टू गिव देयर मैक्सिमम किस तरह से वो अपना मैक्सिमम दे सकते हैं किस तरह से वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं स्पेशली अंडर प्रेशर व्हेन दे आर अंडर स्पेसिफिक प्रेशर कुछ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक्सरसाइजेज और स्पोर्ट्स को जनरल uh, लोगों के लिए भी यूज़ करते हैं जनरल पापुलेशन के लिए भी वो यूटिलाइज करवा रहे होते हैं एंड They often make use of these exercises and sports activities in order to improve the lives and well being of the individuals throughout their entire lifespan. The uh, uh, general population, hoti hai, other than sports person, उनके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं कौन से ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है कौन सी ऐसी गेम्स हो सकती हैं कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स हो सकती हैं जिनको यूज़ करते हुए वो अपने वेलबींग well को फिजिकल वेलबींग एज एल एज दे आर मेंटल वेलबींग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसको एनहेंस कर सकते हैं नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एर्थ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट इज़ नोन एज क्रॉस कल्चर कल्चरल साइकोलॉजी Cross culture means uh, different culture. What is the role of culture and how these cultural factors impact our behavior? Uh, basically, jo, uh, cross cultural psychology is a basic task. Hota hai, it seeks to understand the role of cultural factors and their impact on. ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से हमारे बिहेवियर को कल्चर चेंज कर सकता है नाइनटीन सेवनटी टू में एक एसोसिएशन स्टार्ट हुई थी विद द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन सेवेंटी टू एंड सिंस दैट टाइम दिस क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी हैज़ कंटीन्यू टू ग्रो एंड डिवेलप टुडे नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग इन दिस फील्ड बेसिकली बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं एंड देयर बेसिक टास्क इज हाउ कल्चर इन्फ्लुएंसेस अवर बिहेवियर व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन डिटर्मिनिंग अवर बिहेवियर जिस तरह इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर पे कलेक्टिविस्ट कल्चर है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर पे लोग जो कि डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं वो डिफरेंटली वो बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ देयर कल्चर तो कल्चर के जिस तरह के रूल्स बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है सो द बेसिक टास्क ऑफ़ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट इज टू चेक टू स्टडी द रोल ऑफ कल्चर एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड हाउ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ़ ह्यूमस

और बेसिकली स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली डील करना अच्छा जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मोस्टली स्टडी करते हैं हाउ स्टूडेंट्स लर्न अब उनका जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट होता है फोकस ऑफ स्टडी होता है दिस स्टडी हाउ वी लर्न एज अ स्टूडेंट हाउ वी लर्न डिफरेंट बिहेवियर्स हमारी लर्निंग कैसे होगी कौन से फैक्टर्स मेन रोल प्ले करेंगे कौन से बिहेवियर्स हमारी लर्निंग को इनक्रीज़ कर सकते हैं कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट डाल रहे हैं दे वर्क डायरेक्टली डायरेक्टली एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं विथ स्टूडेंट्स विद देयर पेरेंट्स विथ टीचर्स एंड विद एडमिनिस्ट्रेटर्स अब परपज़ क्या होता है दी परपज़ज़ इज़ इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस स्टूडेंट की लर्निंग को उसकी परफॉर्मेंस को उसके रिजल्ट को इनहेंस करना होता है सो so, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो डायरेक्टली उन्हें काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स के साथ भी उनके पेरेंट्स के साथ भी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ भी और उनके टीचर्स के साथ भी वो डील करते हैं दे आल्सो फोकस्ड ऑन रोल ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट फैक्टर्स कौन से ऐसे हैं जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे उसकी लर्निंग पे ऐसी कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूटिलाइज किया जाए तो स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हेंस किया जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जा सकता है लर्निंग एबिलिटी को पॉलिश किया जा सकता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रहे हैं उनकी लर्निंग में दे आल्सो स्टडी दी लर्निंग डिसबिलिटीज़ एज वेल एज दी गिफ्टेडनेस फिर इंस्ट्रक्शनल मेथड, इंस्ट्रक्शनल मोड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन से यूज़ हो रहे हैं इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी स्टडी कर रहे होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्राम अदर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट है हर एक का बिहेवियर एकडिंगली डिफरेंट होगा सो ईच एंड एवरी पर्सन इज़ यूनिक तो उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं सो so अकॉर्डिंगली उनके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शनल मोड जो है वो इफ़ेक्टिव होता है मोस्ट इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटीज जिन स्टूडेंट्स में हैं उनको हाईलाइट करना इसके uh, है इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं गिफ्टेडनेस को गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उसको हाईलाइट करना और एवरेज केसेस को हाईलाइट करना और उनके लिए अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को यूटिलाइज करवाना uh, उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना और उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है द नेक्स्ट फील्ड इज़ नॉन एज फोरेंसिक साइकोलॉजी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड लॉ बेसिकली ये लॉ के साथ डील कर रहे होते हैं ये साइकोलॉजिकल uh, प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हैं इन लीगल इश्यूज। मेन टास्क इज़ टू स्टडी द क्रिमिनल बिहेवियर काजेज़ ऑफ़ दोज बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर देम। वो ट्रीटमेंट प्लान भी बता रहे होते हैं क्रिमिनल ने एक बिहेवियर एक क्राइम नेगेटिव बिहेवियर परफॉर्म किया उस बिहेवियर को स्टडी करना उसके पीछे रूट काज क्या थी उसको स्टडी करना और उसके लिए उसको उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसको ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज भी या सजेशंस भी प्रोवाइड करना फ़ोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आर मोस्टली वर्किंग डायरेक्टली इन कोर्ट सिस्टम कुछ जो हैं वो बाकी फील्ड्स में भी काम कर रहे होते हैं मोस्टली दे परफॉर्म मल्टीपल ड्यूटीज़ ये एविडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कोर्ट केसेस के लिए असेसमेंट ऑफ दी चिल्ड्रन इन सो कॉल्ड एब्यूज केसेस देन प्रिपेयरिंग दी चिल्ड्रन टू प्रोवाइड एविडेंस एंड एवलुएटिंग द मेंटल कंपिटेंसी ऑफ़ क्रिमिनल सस्पेक्ट्स इट मीन्स दैट दे आर फोर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आर परफॉर्मिंग डिफरेंट ड्यूटीज मल्टीपल रोल्स एंड दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज बेसिकली द इंटरसेक्शन आर कनेक्शन एसोसिएटेड होती है कंबाइन होके साइकोलॉजी कनेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड लॉ बट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कैन परफॉर्म मैनी रोल्स बहुत से रोल्स परफार्म कर रहा होता है सो दिस डेफिनेशन कैन वेरी चेंज हो सकती है ये डेफिनेशन इन मैनी केसिस पीपल वर्किंग इन फोरेंसिक साइकोलॉजी आर नाट नेसेसरली द फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट दीज इंडिविजुअल्स माइट बी क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट दे कैन बी स्कूल साइकोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं कौंसलर्स हो सकते हैं हु लेंड देयर साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज इन आर्डर टू प्रोवाइड टेस्ट एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन इन लीगल एयर क्रिमिनल केसेस फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बेसिकली ज़्यादातर जो इसका मेजॉरिटी जो काम कर रहे होते हैं वो कोर्ट सिस्टम में लीगल सिस्टम में काम कर रहे होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना उसकी काजेज़ को रूट काजेज़ को आइडेंटिफाई करना और उनके लिए ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है इसके अलावा फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो हैं बेसिकली ये मल्टीपल uh, रोल्स भी प्ले कर रहे होते हैं अदर देन लीगल इश्यूज बाकी भी ये साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं अदर सेटिंग्स इसके अलावा फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के अलावा जो बेसिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी अपनी एक्सपर्टीज लीगल फील्ड में लॉ के फील्ड में प्रोवाइड कर सकते हैं इन आर्डर टू एनालाइज दी बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स

और उनके बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है ये काजेज़ uh, को देख रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ के वर्क रिलेटेड इश्यूज क्या हैं कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं उनके बिहेवियर को नेगेटिव बना रहे हैं और ओवरऑल uh, जो एफिशिएंसी uh, ऑर्गेनाइजेशन की या इंडस्ट्री की उसको डिस्टर्ब किए जा रहे हैं उन इश्यूज को एम्प्लॉयज़ के इश्यूज को हाईलाइट करना उनकी काजेज़ देखना उनके रूट काज क्या है किस रीज़न की वजह से वो इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं और उनके लिए स्ट्रेटजीज़ उनके लिए प्लान प्रोवाइड करना ट्रीटमेंट प्लान और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करना ये साइकोलॉजिस्ट का काम होता है दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी इज ऑफन नोन एज साइकोलॉजी आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल आयो साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये मोस्टली इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं आर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और बेसिक परपज इनका क्या होता है टू इम्प्रूव दी प्रोडक्टिविटी एंड टू इम्प्रूव दी एफिशंसी इन वर्क प्लेस they also maximize they also try to maximize the well being of the employees unki physical well being aur unki mental well being ko bhi enhance karna uh, io psychologists jo hain ye role play kar rahe hote hain research in iopsychology is known as applied research वो research जो, जो ये industrial organizational psychologists perform कर रहे होते हैं इसको applied research कहते हैं क्यों कहा जाता है इसे applied research because it seeks to solve the real world problems क्योंकि एप्लीकेशन है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिकल सेटिंग्स में रियल वर्ल्ड वर्ल्ड सेटिंग में और रियल वर्ल्ड सेटिंग्स के में इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना एम्प्लॉयज़ के इश्यूज को हाईलाइट करना उनकी काजेज़ को फाइंड आउट करना और उनके लिए सोलूशन प्रोवाइड करना साइकोलॉजिस्ट का काम होता है दिस स्टडी द टॉपिक एज वर्कर एटीट्यूड एम्प्लॉयज बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड लीडरशिप रोल ऑफ़ लीडरशिप क्या है टाइप ऑफ़ लीडरशिप कौन सी है कौन सी लीडरशिप ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है लीडर को कौन सा रोल प्ले करना चाहिए किस तरह से एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलना चाहिए किस तरह से वो एम्प्लॉयज से मैक्सिमम उनकी परफॉर्मेंस ले सकता है ठीक है कौन सा लीडरशिप uh, स्टाइल वो चूज़ करेगा जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिव होगा उसकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन organization के लिए और किस तरह से वो एम्प्लॉज की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकता है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके इस इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करना और इनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना स्ट्रेटजीज प्रोवाइड uh, करना साइकोलॉजिस्ट का काम होता है